भी धर्मदास का नाम जानते थे, वो कोई दूसरा धर्मदास रहा होगा, लेकिन ये महंत धर्मदास, ईस्वी संवत विक्रम संवत 1900 की बात है, बिजिका पट्टम दक्षिण की बात। महाराज अब एकादशी आई, गुरुजी ने देखा कि ये तो जिद करके बैठा है कि इतने आटे से नहीं चलेगा, ठाकुर आएंगे, ठकुरानियां आएगी, उनके मित्र भी आएंगे, इस आटे से क्या होता है, आटा और चाहिए, समझे, नहीं तो हम नहीं जाते, समझे। गुरु ने कहा नहीं जाना तो पड़ेगा, समझे, आटा थोड़ा और भी देता हूं, समझे, लेकिन आज तेरी पूरी खबर रखूंगा, समझे। बोले खूब खबर रखो, तुम भी समझे, हम झूठ नहीं बोलते, समझे, आटा नहीं बेचते, समझे, गाय को नहीं खिलाते, समझे, फेंकते नहीं, समझे, वो खा जाता है सब, समझे, हमको तो रोटी बनाते बनाते दम निकल जाता है, समझे। ये एकादशी आके आन फटकती है, गुरु हंसता है उसकी निर्दोषता पर। अच्छा ले, शेर भर आटा दिया, कुछ आलू दिए, वही गुड़ का ढेला दिया, दो चार पत्तले दे दी, पत्ते दे दिए, एक छोटा सा बर्तन दे दिया पानी लाने के लिए। वो तो बेचारा गुरु को श्रद्धा पूर्वक हृदय पूर्वक प्रणाम करते हुए, ठाकुर जी को प्रणाम करते हुए, गरीब दास गायों के पीछे पीछे जंगल में गया, गायें चराते चराते दोपहर होने को है, रोटी बनाया, आज तो रोटी बनाने में जरा समय ज्यादा लगा। उधर गरीब दास छुप कर आकर देखते कि आटा का क्या उपयोग करता है, कौन ठाकुरानी आती है, कौन ठाकुर इसको मिलता है, और ठाकुर के दोस्त कौन आके इसकी रोटी खाते, पागल कैसी बातें बनाता है। धर्मदास पेड़ के पीछे ओथ में छुप गए, देखा कि आटा तो सब गुण रहा है, तो वफादार, फिर रोटियां भी सब बनी, तब तक देखते रहे धर्मदास, अब सारी रोटी खाएगा कैसे भूत। सारी रोटियों को रख दिया पत्तलों पर, सेके हुए आलूओं के छिलटे उतार के कूट काट के उसका बर्फा भुना बनाया, और थोड़ा थोड़ा रख दिया, गुड़ का ढेला ढेला रख दिया, जरा जरा टुकड़ा 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 रख दिया, जंगल के उस पत्तल के पत्तों पर रोटी सब्जी और गुड़ रख कर वो बेचारा हाथ से थोड़ा प्रक्षालन करके, हे ठाकुर जी अब खाओ। धर्मदास देखते हैरान हो गए कि एक आए हैं, बिल्कुल वही ठाकुर जी हैं जो सारे विश्व को आनंद से आकर्षित करते, वही कृष्ण, वही राधा, वही सत्यवामा, वही रुक्मणी, वही सुदामा और उनके साथी तो हैं, लेकिन 8 पटराणी, 16,000 इतर राणियां, और सब के सब आए और टुकड़ा टुकड़ा लेकर सबने उस भोले भक्त के भोजन का आस्वादन लिया और नृत्य करने लगे। अब ये तो देखता ही रह गया। ठाकुर बोलते अब खा ले टुकड़ा। बोले तुम तो सब खा कर नाच रहे और मेरे लिए टुकड़ा से क्या होगा, तुमको तो नाचना है, घूमना है, मेरे को तो गाय चराना है, मेरा क्या होगा, समझे। बोले तेरा सब कुछ ठीक होगा, समझे। धर्मदास देख रहा है कि ठाकुर जी से इतना बेवकूफी से बात करता, फिर भी ठाकुर जी नाराज नहीं होते, बात क्या है। धर्मदास भागे, भागे तो अंतर्धान लीला हो गई, वो तो देखता रह गया गरीब दास। धर्मदास भागे और गरीब दास के पैरों गिरे के बेटा, गुरु तो गुड़ रह गया, चेला शक्कर हो गया। चेला बोलता खाक शक्कर हो गया, भूखे रहे, समझे। वो तो सब खा के नाचता नाचता भाग गया, समझे, आटा दूसरा देना पड़ेगा, समझे। धर्मदास कहता है कि आटा तो दूसरा क्या दूं तेरे को, मैं तो गाय चराने की सेवा मैं करूंगा और गुरु गादी तू संभाल। बोले ऐसा करके जान छुड़ाओ मत, आटा देने की पहले हाँ बोलो, समझे, चलो आश्रम में चलो। धर्मदास आखिर तो भगवान की थोड़ी बहुत भक्ति किए थे, हृदय पिघला था, अपने को कोसते हुए कि अरे इंद्रिय ग्राम में भटकने वाले मन, सेठ और शाहूकारों की खुशामत करने वाले मेरे मन, बाना तो तूने फकीर का पहना है, साधु का पहना है, लेकिन खुशामत तू भोगियों की करता है, इसलिए भगवान तेरे से दूर है।
गरीब दास ने बाना साधु का नहीं पहना है, लेकिन न भोगियों की खुशामत करता है, न योगियों की चरण रज में नहाता है, लेकिन हृदय की निर्दोषता है और इंद्रियों का संयम है, विकारों ने उसे छुआ नहीं है, निर्दोष हृदय है, इसलिए इसका संकल्प जल्दी फल गया। ए मेरे मन में अब तुझे निर्दोष बनाऊंगा, सेठों के बीच, बस्ती के बीच, इंद्रियों के सुखों में रमने वालों के बीच रहकर संयम दुर्लभ लगता है और एकांत में संयम सुलभ हो जाता है। अब तो गरीब दास को ये दूंगा, जिस गादी ने मुझे हृदय के सुख से गरीब बना रखा था उस गादी का अधिकारी तो गरीब दास महंत बनेगा, और मैं गरीब दास का आज से शिष्य हूँ। घोषणा कर दी जाहिर में उस सज्जन महंत ने, कह दिया पवित्र आत्मा महंत ने भक्तों को, कह दिया। उस मंदिर की इतनी सारी पूजा और प्रतिष्ठा थी कि जितना ठाकुर जी का दर्शन को लोग महात्मा रखते थे, महत्व देते थे, उतना ही ठाकुर जी के दर्शन के साथ साथ महंत दर्शन को भी महत्व देते थे। अगर ठाकुर जी के दर्शन हो गए, महंत के दर्शन नहीं हुए, तो वो मंदिर नहीं छोड़ते थे। महंत के दर्शन करके, प्रणाम करके, बाद में ही लोग मंदिर की एरिया से अपने काम काज में जाते थे, इतना आदर रखते थे उस जगह का लोग। विजय का पट्टम में वह महंत गरीब दास महंत बना, जिसको काके ने कौवे जैसी कैं-कैं करके परेशान करके भगाया था, लेकिन इंद्रिय ग्राम संयत था, मन में सरलता और सच्चाई थी, वो उस मंदिर का महंत बना है। और पूर्व का जो महंत था वो सेवक बना है, गाय चराने जाता है, ठाकुर जी को रिझाता है। इंद्रिय विकारी सुख के सुख में जो परेशान है, ऐसे भोगियों के संग से बचने के लिए महंत ने गद्दी का त्याग कर दिया। महंत जंगल में रहते हैं, गाय चरा के गौशाला में छोड़ जाते हैं, और गौशाला के एक कोने में शांति से पड़े रहते हैं। लोगों को महंत के लिए, भूतपूर्व महंत के लिए तो मान था, लेकिन इस निर्दोष हृदय बचपन से ही भगवान की भक्ति में, अनजाने में ही काका की कौ कौ से ही भगवान के रास्ते चलने वाले, इंद्रिय संयम से जीने वाले उस गरीब दास महंत के लिए भी खूब आदर था। विक्रम संवत 1900 से ये कहावत चल पड़ी कि गुरु तो गुड़ रह गया, चेला शक्कर बन गया। कहने का तात्पर्य है कि अभागे विषयों ने, इंद्रियों के आकर्षण ने हमको भगवान के सुख से दूर रख दिया है। वाहवाई कान सुनते, इस कान को मजा दिलाने के लिए वाहवाई की आसक्ति से आदमी न करने जैसा कर बैठता है। इस नाक की सुगंध के लिए दुर्गंध युक्त वस्तुएं और परफ्यूम भी आदमी संभाल संभाल कर रखता है और लगाकर अपने को खुश नसीब मानता है। इस लूली को लाड लड़ाने के लिए न जाने कितने रसीले पदार्थ बनाता है, व्यंजन बनाता है। आवश्यकता नहीं होती तब भी दो ग्रास स्वाद की गुलामी में ठोंस देता और बाद में रोग को आमंत्रण करता है। अगर खाने में संयम नहीं हुआ तो पेट का रोग अनिवार्य है, देखने में संयम नहीं हुआ तो जीवन शक्ति क्षीण होना अनिवार्य है, बोलने में संयम नहीं हुआ तो व्यर्थ की शक्ति नाश होना अनिवार्य है। ऐसे पति पत्नी के संबंध में भी संयम नहीं हुआ तो अकाल मृत्यु भी अनिवार्य है। भगवान बोलते हैं के संयमे इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धय, इंद्रिय समुदाय को सम्यक प्रकार से नियम में रखना चाहिए। शादी कर लिया उसका मतलब ये नहीं कि विकारी सुख में अपने को नीचो डाले, भोजन कर रहे हैं उसका मतलब ये नहीं कि स्वाद के गुलाम बनकर अपनी हाजमा शक्ति को बिगाड़ दें, आंखें मिली है उसका मतलब ये नहीं कि व्यर्थ का बार बार विकारी नजर से दृश्य को देखकर अपने को खपा दें, कान इसलिए नहीं मिले हैं, कान तो मिले हैं कि अपने स्वरूप का ज्ञान पाकर भीतर गोता मार के मुक्त हो जाए, कान इसलिए मिले हैं व्यर्थ का सुन सुनकर अंदर में विकार भड़काने के लिए कान नहीं मिले। ऐसे हर इंद्रिय को, इंद्रिय ग्रामों को संयत करके जो संबुद्धि होने लगता है, अनुकूलता में भी सम और प्रतिकूलता में भी सम, मान में भी सम, अपमान में भी सम, गर्मी में भी सम और सर्दी में भी सम, ऐसा सम रहने वाला पुरुष
भूत मात्र का हितेशी होता है और ऐसे हितेशी पुरुष अपने को तो तार लेते हैं, अपने संपर्क में आने वालों को भी तार लेते हैं। अगर संपर्क में आने वाले सचमुच में मुक्ति मांगते हैं तो उनको मुक्ति का रास्ता दे देते हैं, और भुक्ति मांगते हैं तो भुक्ति का प्रसाद भी ऐसे संयमी पुरुष दे सकते हैं। भगवान वेद व्यास जी